गाइस हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश पर अपवर्तन तथा अपवर्तन, आज हम लोग उसमें आगे का टॉपिक देखेंगे। लास्ट क्लास हम लोग देखा था उत्तल दर्पण, तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि गोले दर्पण में ना कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है। तो देखते हैं, तो ये जो आपका दर्पण बना हुआ है ये आपका अवतल दर्पण है। तो कोई भी जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण होता है वो एक्चुअल में ना किसी बड़ा साइज का गोल सचिव से काटा हुआ रहता है, गोल सचिव से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख सकते हैं ये गोल सा ना कांच का गोला है, तो इसमें से हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को काट लिए जिसके कारण ये बन गया अवतल दर्पण। अगर हम लोग पॉलिश इस साइड पे करते हैं तो ये अवतल दर्पण हो जाता है, अगर हम लोग पॉलिश इस साइड करते हैं तो परावर्तक पृष्ठ इधर हो जाता है और फिर ये उत्तल दर्पण बन जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती है वो हम लोग देखेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले जानते हैं जो ये अवतल दर्पण है इसका जो मुख्य बिंदु होता है मध्य बिंदु उसे हम लोग पोल कहते हैं ध्रुव, और जो ये जो गोला है इसका जो सेंटर होगा सी इसको हम लोग केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, और जैसे कि ये लाइट रे आता है यहां से तो ये जिस बिंदु पे काटता है ना इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पोल से तथा केंद्र, पोल तथा केंद्र दोनों के जो बीच की दूरी होती है ना यहां से इस दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। फिर इसमें हम लोग देखेंगे अब इसका डेफिनेशन की क्या क्या होता है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए अगर उतारना है तो। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कोई भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो होता है वो बड़ा साइज का किसी गोल गोला कांच से काटा हुआ रहता है, तो जो वक्रता केंद्र होता है वो केंद्र जो होता है वो एक्चुअल में ना वो बड़ा वाला गोला का केंद्र होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है। तो अभी आप लोगों को बताया था जैसे कि ये आपको बताया था ये पोल है और ये जो आपका सेंटर है यानी वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और पोल को जो रेखा मिलाती है ना यानी ये जो लाइन है इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं।
तो किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा केंद्र के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोकस। फोकस क्या होता है? तो फोकस देखने से पहले फिर से हम ड्रॉइंग देखते हैं। ये जो आपका है ये पोल हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका प्रकाश किरण लाइट है। तो जैसा कि मैंने बताया था इसे हम लोग फोकस कहते हैं, जहां से लाइट है मुख्य अक्ष को काटता है, ये आपका सेंटर केंद्र हो गया। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। प्रकाश किरण गोलीय दर्पण में परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस कहते हैं। इसे एफ से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग समझ गए गाइस कि जैसे कि ये जो है प्रकाश किरण जो परावर्तित होती है मुख्य अक्ष को जिस जहां पे भी काटती है तो उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे पोल है ये और यहां से एफ, तो ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो जैसे ये सेंटर है और ये पोल है तो यहां से यहां के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर, मतलब कि वक्रता त्रिज्या। तो किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गाइस आप लोग समझ गए कि गोलीय दर्पण में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और एक चीज है वो होता है आपका द्वारक। तो द्वारक क्या होता है? तो जैसे कि कोई भी गोलीय दर्पण होता है, ये दर्पण है अवतल दर्पण, तो यहां से यहां के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं द्वारक या एपर्चर।
इसको हम लोग जानते हैं जो द्वारक होता है ना किसी गोले दर्पण में जो प्रकाश किरण इंटर करता है तो द्वारक जो होता है तो कितना भी प्रकाश किरण रहेगा वो द्वारक के जितने एरिया में आएगा बस वही प्रकाश किरण अवतल ये दर्पण के अंदर आ पाएगा। तो इसके अलावा और एक चीज है आपका, एक नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आपका दर्पण है पोल हो गया आपका, ये आपका फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया। तो ये जो केंद्र होता है ना तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं आर, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग फोकस कहते हैं। तो जो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि आर इक्वल टू होता है आपका 2f और f इक्वल टू आर बाय 2। इसका मतलब यह हुआ कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के लगभग आधी होती है। तो गाइस आगे हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो जब अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण एंटर करता है तो जो बीम बनता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है।